प्यारे बच्चों नमस्कार। हमने समांतर श्रेणी की पहली एक्सरसाइज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज जिसस की थी एनसीईआरटी की 5.1, उसमें क्या हमने बताया था कि अगर कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऐसी है ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी इस प्रकार से है तो इसमें एंथ टर्म जो था एनवा पर वो था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और अगर एन ही टर्म है तो इसी को हम लास्ट टर्म कहते थे। ठीक है, तो पहली एक्सरसाइज इसमें हमने कराई थी। सेकेंड एक्सरसाइज भी इसी इस फॉर्मूले पर बेस्ड है, उसके क्वेश्चन समझ लीजिएगा, इसमें 20 क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 5.2 फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज है 5.2 एनसीईआरटी फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक टेबल बनी हुई है, यहां पर टेबल को ध्यान से बुक में देख लीजिएगा, उसमें दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में दिया है ए इज इक्वल टू सेवन, ए इज इक्वल टू सेवन, डी इज थ्री एन इज एट, डी इज थ्री एन इज एट, और आपको टी एन निकालना है। ध्यान रखिएगा वो ए एन लिखते हैं वो भी सही है, हम टी एन निकालना है। तो टी एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये पढ़ा है आपने, इसी की वैल्यू निकालनी। ए क्या यहां पर है, दैट इज सेवन, एन इज व्हाट एट माइनस वन, और डी इज थ्री, तो सेवन प्लस सेवन इंटू थ्री। सेवन प्लस सेवन मत करिएगा, पहले मल्टीप्लाई होगा तो आएगा ये सेवन प्लस 21 इज इक्वल टू 20, मतलब जिसमें जो जो चीज भाई ये फॉर्मूला है, इसमें टी एन है, ए है, एन है और डी है, ये चार चीजों में एक रिलेशन है, फोर्थ थिंग है यहां पर। तो इफ थ्री इज गिवन फोर्थ यू हैव टू फाइंड, तीन दी हुई है चौथी आपको निकालनी। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट देखिए क्या बता रहा है, सेकेंड पार्ट में कह रहा है ए इज इक्वल टू माइनस 18, ए इज इक्वल टू माइनस 18, डी नहीं गिवन है, डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एन इज 10 और टी एन इज 0, एन इज 10 और टी एन इज 0। तो टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जो भी वैल्यू दी गई है उसको नोट कर दीजिए, टी एन इज गिवन 0, ए क्या है माइनस 18 प्लस एन 10 माइनस 1, और डी हमको नहीं मालूम, तो ये क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू माइनस 18 प्लस 9 डी। माइनस 18 को इधर लेके आओ, तो ये हो जाएगा 18 इज इक्वल टू 9 डी, डी की वैल्यू क्या आएगी 18 अपॉन 9 इज इक्वल टू 2, ये डी लिखा आया। ये इसका सेकेंड पार्ट, ये इसमें एक बॉक्स बना हुआ है, एक टेबल बनी हुई है, उस टेबल में वैल्यू दी हुई है। ठीक है, सेकेंड थर्ड अपने आप करेंगे, फोर्थ देखिएगा, एक और हम बताए दे रहे हैं फोर्थ पार्ट, ए इज गिवेन माइनस 18.9, ए इज गिवेन माइनस 18.9, डी इज 2.5, एन नहीं मालूम, और टी एन है 3.6, टी एन है 3.6, ए माइनस 18.9, 2.5, 3.6, तो टी एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन इज वॉट, टी एन इज गिवेन 3.6, ए माइनस 18.9 प्लस एन मुझे नहीं मालूम, और डी की वैल्यू कितनी है 2.5, चूंकि पॉइंट का है थोड़ा कैलकुलेशन हिसाब से करिएगा। देखिए माइनस का 18.9 इधर प्लस हो जाएगा, तो 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू, हम जानबूझ करके 2.5 को अंदर नहीं ले जा रहे हैं, ये दोनों प्लस में है, प्लस करना आपको आता है, कैसे लिखेंगे 3.6 लिखेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेगा, यहां पर 9 है और यहां 18, 8 और 1 ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो 9 6 15 और 8 3 11 1 12 1 1 2 ये आएगा आपका, 9 6 15 1 कह रही, 8 3 11 1 12 2, 22.5, और ये जो 2.5 है इसको इधर लेके आ जाओ डिवाइड में, ये एन माइनस वन हो गया, इसको कैंसिल कर दो, ये पॉइंट हट जाएगा, तो आएगा 225/25, तो 25 कितनी बार जाएगा, 25 नहीं हम 225, 25 दाम 250 होता है 250, तो n माइनस वन इज इक्वल टू 9, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू होगी 10, ये
ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। और पार्ट एक जो है अपने आप करिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, नोट कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन कह रहे हैं, फर्स्ट पार्ट इसका ये है 10, 7, 4, 10, 7, 4 and so on, ये एक सीरीज है। अब 10 और 7 में कितने का डिफरेंस है, 10 में माइनस करोगे 3 तो 7 आएगा, 7 में करोगे माइनस 3 तो 4 आएगा, तो ये तो मुझे मालूम होगा ये समांतर श्रेणी है AP, ठीक है। इसमें पहला टर्म क्या है 10, D क्या है, हमने D कहा था इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट हमने पहले एक साइड में बताया है, उसका लिंक इसमें दिया हुआ है, उसको देख लीजिएगा एक बार अगर ना देखा हो तो। 7 में 10 माइनस कर देंगे तो आएगा माइनस का 3, और ये कह रहे हैं कि तीसवा पद निकालिए, P30 आपको निकालना है। तो हम इस चीज को जानते हैं, वी नो दैट, हमको ये बताया गया है कि Tn इज इक्वल टू होता है A+N-1 × D, तो T30 क्या हो जाएगा, A+N को लिखेंगे 30-1 × D, बस वैल्यू रख दो, T30 तो निकालना है, A क्या है यहां पर है 10 प्लस ये 29 इंटू डी की वैल्यू क्या है माइनस का 3, ये ध्यान रखिए पहले मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो 10 माइनस 9 तो 27, 3 × 27, 3 × 6 = 8, 87 माइनस का 77, ये आपका T30 होगा। सेकेंड पार्ट आप इसका अपने आप करेंगे, उसमें 11 टर्म निकालना है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन नोट कर लीजिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, थर्ड में कुछ बॉक्स बने हुए हैं, उसमें अननोन वैल्यू निकालनी, जरा समझने की कोशिश करिएगा। पहला पार्ट देखिएगा, लिखा हुआ है कि इसमें जो बॉक्सेस बने हैं इनमें बताओ ये कौन से टर्म होंगे, एक है 2, आप डैश करके कर दीजिए 2-26, और कह रहे ये एपी है, ये बता दिया पहले इन्होंने एपी है, तो मैंने इसको क्या मान लिया एक्स। हमने क्या बताया था, अगर ये एपी है तो इसका इसका माइनस और इसका इसका माइनस समान होना चाहिए, है ना, यानी एक्स माइनस 2, यानी कि सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म माइनस करें या थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म माइनस करें, वैल्यू सेम होनी चाहिए, यानी एक्स में 2 माइनस करें या 26 में एक्स माइनस करें, वैल्यू सेम होगी। अब चूंकि हमको x की वैल्यू निकालनी है, हमने उसको x माना है, तो इसको इधर ले आओ इस x को, तो माइनस का x इधर आके प्लस का x हो जाएगा, इधर 26 है माइनस 2 उधर जाके प्लस 2 हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 28, x का मान क्या आएगा 40। ये फर्स्ट पार्ट इसका है, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखिए इसका, सेकेंड पार्ट में दो बॉक्सेस हैं, पहले एक गैप है नहीं मालूम उसको, फिर 13 है फिर उसको नहीं मालूम, फिर 3 है, हमने इसको x माना इसको y माना। देखिए Tn वाले फॉर्मूले लगा सकते हैं इसको, ये AP में है समांतर श्रेणी में, इसका इसका डिफरेंस और इसका इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस समान होगा, यानी कि 13 में x माइनस कर दे या इसको ऐसे मत अगर लिख दीजिए, नहीं ऐसे मत, ऐसे मत, हम T2-T1 निकालते हैं तो आप कहेंगे 13-6, हम T3-T2 निकालते हैं तो आप कहेंगे Y-13, हम कहेंगे T4-T3 निकालते हैं तो आप कहेंगे 3-5, इन दोनों को बराबर कर दो, तो सब बराबर है आपस में, ठीक है। तो आप लिखेंगे एस T3-T2 इज इक्वल टू T4-T3, ये क्या आया है Y-13 इज इक्वल टू 3-Y, ठीक है। इस माइनस वाई को इधर ले आओ तो ये 2Y हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, Y का मान क्या आ गया 8। अब इन दो में से किसी को इक्वल कर दो, T2-T1 इज इक्वल टू T3-T2, यानी कि 13-X इज इक्वल टू Y-13, Y निकाल चुके हैं आप 8,
तो क्या आएगा 13 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, 8 निकाला है 8 माइनस 13, तो 13 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का 5। ऐसा करो x माइनस का है उधर ले जाओ, माइनस का 5 इधर ले आओ, तो 13 प्लस 5 इज इक्वल टू x, x की वैल्यू क्या आ गई 18। इस प्रकार से भी निकाल सकते हो, ठीक है। ये सेकेंड पार्ट इसका है, तो बहुत सारे पार्ट है, लगभग हम बताने की कोशिश करेंगे क्योंकि थोड़ा टेक्निकल चैप्टर ये क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट अपने आप करोगे, जरा फोर्थ पार्ट इसका देखिए। फोर्थ पार्ट ये है माइनस फोर और 1 2 3 4 चार चीजें नहीं थी, 1 2 3 4 और 6, ये एपी में है। अब देखो एक्स वाई जेड बहुत ज्यादा बदमानी दिक्कत हो आएगी। ये क्या दिया है, आप कहेंगे भाई फर्स्ट टर्म दिया है माइनस का 4, कितने टर्म है 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ टर्म 6 है, ये वाला 6 नहीं, 1 2 3 4 5 6, और जो 6th टर्म है छठवां व्यक्ति वहां पर वो 6 है, तो इसे t निकाले, तो t 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। टी सिक्स की वैल्यू क्या है 6, a कितना है माइनस 4 प्लस 5 d, मुझे नहीं मालूम, माइनस 4 इधर ले आओ, तो 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 5d, तो 5d इज इक्वल टू 10, टी का मान आ गया 2। तो ये मुझे मालूम हो गया कि जो कॉमन डिफरेंस है इसमें जिसको सर्वांतर कहते हैं वो 2 है। अब देखिए ये कौन सा टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, तो t2 कैसे निकलेगा, a प्लस डी, ए कितना है माइनस का 4, डी कितना है प्लस का 2, यानी कि माइनस का 2 आ गया। ये कौन सा टर्म है, आप कहेंगे थर्ड टर्म है t3, कैसे निकलेगा a प्लस 2d, a की वैल्यू माइनस का 4 प्लस 2, इसकी वैल्यू 2, तो आएगा माइनस 4 प्लस 4 यानी कि 0। ये कौन सा टर्म है, आप कहेंगे फोर्थ टर्म है, कैसे निकलेगा फोर्थ टर्म, a प्लस 3d, a है माइनस 4 प्लस 3, d है 2, तो माइनस 4 प्लस 6 यानी कि 2 निकलेगा। ये कौन सा टर्म है t4, t4 कैसे निकलेगा a प्लस 3d, एक मिनट सॉरी t5, ये t5 है, a प्लस 4d यानी कि माइनस 4 प्लस 4 इंटू 2, तो माइनस 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 4। इस प्रकार से आप निकालेंगे, ठीक है। इसका अगला पार्ट अपने आप करेंगे, ये है आपका थर्ड क्वेश्चन। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है समझ लीजिएगा, इसलिए बोलते भी जा रहे हैं वैसे ठीक लिख रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा, फोर्थ एक एपी लिखा है 3 8 13 18, 3 8 13 18 ये एपी है, और कह रहे हैं इसका 78th, कौन सा टर्म 78 होगा, इसमें 78 कहां पर आएगा। हमने मान लिया कि यहां पर लास्ट में 78 आएगा, ये मैंने मान लिया, ये कह रहे इसमें कौन सा टर्म 78 टर्म नहीं निकालना, कौन सा टर्म 78 है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, कहीं ना कहीं 78 आएगा। तो ऐसा नहीं है आप 3 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 लिखते लिखते पहुंच जाओ 78 तक, वो एक तरीका है लेकिन वो तरीका नहीं लगेगा। तो फर्स्ट टर्म इसमें क्या है 3, डी कितना है, हमने कहा था सेकंड में फर्स्ट को माइनस करके निकालेंगे आप, 8 माइनस 3 दैट इज 5, और कितने टर्म है मुझको नहीं मालूम, क्योंकि कौन सा टर्म है उसको नहीं मालूम, ये nth टर्म है लास्ट टर्म है ये मुझे मालूम है, तो tn का फॉर्मूला लगा दो, वी नो दैट मुझे ये मालूम है फॉर्मूला कि tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बस हो गया। हम tn की वैल्यू कितनी है, tn है 78, a कितना है, a है 3, n मुझे नहीं मालूम, d कितना है, d है 5, 3 को इधर ले आओ, ये n माइनस 1 इंटू 5, ये 75 हो जाएगा। देखो n माइनस 1 के साथ 5 का मल्टीप्लाई है, इसको डिवाइड में ले आओ, इज इक्वल टू n माइनस 1,
तो ये कितना आएगा, 5 एकम 5, 2 5 25 इज इक्वल टू एन माइनस वन, 1 को दे आओ तो एन की वैल्यू कितनी आएगी, 16, 16 टर्म 78 होगा। अब आप कहेंगे साहब लिख ले हम 3 5 5 18 प्लस 5 13 प्लस 5 18 प्लस 23, नहीं चलेगा, 78 तो मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा, नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर है फोर्थ। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया है कि एक सीरीज लिखी, इसका फर्स्ट पार्ट देखिएगा, एक सीरीज लिखी है कि 7 13 19 अप टू 205, कहते ये एक एपी है, तो बताओ इसमें कितने टर्म है। आप कहेंगे ऐड कर लेंगे 7 प्लस 6 13 प्लस 6 19 प्लस 6 प्लस 6 205 मिल जाएगा, सबको देख लेंगे कितने, ऐसा नहीं चलेगा। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, 7, डी क्या है 13 माइनस 7 दैट इज 6, ये क्या है, ये लास्ट टर्म है टीएन, एंथ टर्म है 205, और एन की वैल्यू हमको निकाला, ये एंथ टर्म है, एन नहीं है, 205वां टर्म नहीं है, ये 205 लास्ट टर्म है। तो टीएन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, टीएन क्या लिखा है 205, ए कितना है 7 प्लस एन माइनस वन, डी कितना है 6, 7 को धन ले आओ, 205 माइनस 7 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 6, 7 माइनस करो तो कितना आएगा 198, भाई 5 माइनस करोगे तो 200 बचेगा, 200 और माइनस कर दो और इस 6 को अपान में ले आओ, एन माइनस वन ये कितना आएगा 36 18 33 इज इक्वल टू एन माइनस वन, 1 को इधर ले आओ तो एन इज इक्वल टू 34, 34 से जब तब जाएंगे तब श्रीमान 205 मिलेंगे, ठीक है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट देखो क्या बोलता है, इसका सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, सेकेंड पार्ट इसका कह रहा है, ये कौन सा क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन का, 18 15 and half 18 15 होल नंबर 1/2 13 माइनस 47 है लास्ट है -47, ये -47 ये एपी है इसका, पहले समझ लीजिए इसको, लिख लीजिए हिसाब से 15 से 31/2 हो जाएगा 13 अप टू -47। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है 18, डी कैसे निकालेंगे 31/2 में -18 कर देंगे तो क्या आएगा 31 माइनस 36/2 यानी कि -5/2 और टीएन क्या है -47। अब टीएन का फॉर्मूला लगाइए, टीएन इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए की वैल्यू कितनी है सॉरी टीएन की वैल्यू कितनी है -47, ए की वैल्यू कितनी है 18 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू है -5/2। देखिए 18 को इधर लेके आओ तो आएगा -47 - 18 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू -5/2, 8 7 15 4 1 5 1 6 -65। अब देखिए -5/2 इधर लेके आओ, 2 डिवाइड में है 2 मल्टीप्लाई में आएगा और माइनस का 5 डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5 से काटोगे 53 65 13 26, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27, ये 27th टर्म होगा, ठीक है, कैलकुलेशन ध्यान से करिएगा, माइनस प्लस की गलती नहीं होनी चाहिए। ये फिफ्थ क्वेश्चन है, अब जरा सिक्स देखिए, सिक्स क्वेश्चन, एक एपी दिया हुआ है 11852 कह रहे हैं क्या 105 इसका कोई टर्म है, देखिए ये एपी है, कह रहे क्या 105 यहां कहीं आएगा, हम यहां लिखेंगे नहीं, मुझको नहीं मालूम आएगा नहीं आएगा। इसका फर्स्ट टर्म क्या है 8, डी कितना है
5 माइनस 8 यानी कि माइनस 3। हमने माना यहां एक लेट कर लिया, हमने यहां पर मान लिया कि जो tn है वो माइनस 150, nth टर्म में वो आएगा, मान लेते पता नहीं आएगा नहीं आएगा, और n निकाल लेते हैं। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, यू नो दैट tn इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn कितना है, माइनस का 150, a कितना है 8, प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है, माइनस का 3। 8 को इधर लेके आओ, माइनस 150 माइनस 8 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस 3, तो यह माइनस 158 और माइनस का 3 डिवाइड में आ जाएगा, माइनस कट गया, ये 3 से कटेगा नहीं कटेगा, ये आएगा 35 15 और 3 × 6 होल नंबर 2/3 प्लस 1 इज इक्वल टू n। अब कोई भी चीज अब चाहो तो कैलकुलेट कर लो इसको, ऐसा करिए ऐसे मत लिखिए इसको, अभी फिलहाल इसको 158/3 लिखा रहे दो, इसको प्लस 1 ले आओ n 1 को, n n की वैल्यू आएगी 161/3। कोई भी चीज फ्रैक्शन में भिन्न में नहीं आ सकती, पहला पद होगा दूसरा होगा 17.5वां नहीं होगा, तो आप लिखेंगे कि माइनस 150 कोई भी टर्म इसमें नहीं आएगा। ये 6 क्वेश्चन है। 7 देखिए, इसका 7th क्वेश्चन लिखा है, देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी में हमको ए मालूम होना चाहिए और डी मालूम होना चाहिए, वो ये जरा यहां से टेक्निकल क्वेश्चन शुरू हुए, ध्यान से समझिएगा। कह रहे हैं उस एपी का 30वां टर्म निकालना है जिसका 11th टर्म दिया हुआ है और 16 टर्म दिया हुआ है। पहले हमने मान लिया कि माना लेट जो फर्स्ट टर्म है, प्रथम पद, जो प्रथम पद है इसका वो हमने ए मान लिया, और जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस जो इसका है यानी कि सर्वांतर, वो हमने डी मान लिया। तो दो कंडीशन दी है, फर्स्ट कंडीशन क्या दी है, देखिए फर्स्ट कंडीशन ये दी गई है, इसमें कौन सा क्वेश्चन है, 7th है आपका, कि 11वां पद 38 है, टी 11 इज इक्वल टू 38 यानी a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, ये आपका पहला ही क्वेश्चन हो गया। और कह रहे हैं कि इसका 16th टर्म, सेकंड कंडीशन दी हुई है, इसका जो 16th टर्म है वो 73 है, टी 16 जो है वो 73 है यानी a प्लस 15d इज इक्वल टू 73, ये दूसरा क्वेश्चन। आप दोनों को पहले सॉल्व करिए, ए और डी का मान ज्ञात करो, तो लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 और 2, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, पहले इक्वेशन 1 नोट करो, ए प्लस 10d इज इक्वल टू 38, ए प्लस 15d इज इक्वल टू 73। हमने इक्वेशन सॉल्व करने बताए हैं आपको, उन्हें देख लीजिएगा। देखिए इसको क्योंकि दोनों सेम है तो यहां पर हम घटाने पर करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, यानी यहां पर हम घटाएंगे दोनों को, घटाने पर ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कट जाएगा, 10 और माइनस का 15 माइनस का 5d, ये 73 कैसे करेंगे, 73 ऊपर लिखेंगे 38 नीचे लिखेंगे, यहां से कैरी लाएंगे, 13 में 8 गए 5, यहां से 6 में 3 गए 3 5 8 5 13 3 6 माइनस का 35, तो डी का मान कितना आ गया 7, डी निकल आया। टी का मान उठाइए और इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, 1 क्या है, a प्लस 10d इज इक्वल टू है 38, a प्लस 10d का मान है आपका 7 इज इक्वल टू 38, बस ए निकाल लीजिए यहां पर, तो ए प्लस 70 इज इक्वल टू 38, तो ए की वैल्यू क्या होगी 38 माइनस 70, तो 70 में 38 माइनस करो 70, 38 यहां से कैरी जाएगा 10, 10 में 8 गया 2, यहां बचेगा 6 ये 3 8 2 10 3 6 10 यानी कि माइनस का 32।
ये ए निकला है। अब ए और डी मुझे मालूम हो गया, तो ये कह रहे हैं हमसे कि आप 31st टर्म निकालो, P31 निकालो। क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है माइनस का 32 प्लस, ये 30 है और डी कितना है 7, तो माइनस का 32 प्लस 210, तो माइनस कर लो 210 में 32 माइनस करो, यहां कह रही क्या 10, 10 में 2 गया 8, यहां 0 बचा, यहां जाएगा 10 में 3 गया 7, यहां 178, 8 2 10 7 3 11 7 3 10 11 2 178, इस प्रकार से इसकी वैल्यू लगाएंगे। ये आपका 7th क्वेश्चन है। अब जरा 8 देखिए, नोट कर लीजिएगा और ध्यान से कैलकुलेशन करिएगा। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें ए और डी निकालना पड़ेगा, क्योंकि समांतर श्रेणी की होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें ए और डी ही हमें दिक्कत करते हैं। अब इसका 8th क्वेश्चन देखिए, 8th क्वेश्चन कह रहा है कि एक एपी में 50 टर्म्स हैं और तीसरा पद दिया है और अंतिम पद दिया है। देखो तो 50 टर्म है, तो पहले तो प्रथम पद मान लो, लेट जो फर्स्ट टर्म है हमारा प्रथम पद क्या है वो ए है, एंड जो सर्वांतर है जिसको कि कॉमन डिफरेंस कहते हैं वो कितना है डी। तो ये आपका क्या है, ये प्रथम पद है और ये क्या है आपका सर्वांतर। कह क्या रहे हैं, ये कह रहे हैं कि तीसरा पद 12 है, तीसरी बराबर कितना है 12, यानी ए प्लस 2d इज इक्वल टू 12, ये पहला इक्वेशन है। और लास्ट टर्म कह रहे हैं कि 106 है। अब लास्ट टर्म मतलब क्या होता है, जब 50 पद है तो 50वां पद होगा ये, तो टी 50 दिया है 106, यानी ए प्लस 49d इज इक्वल टू 106। अब दोनों हल कर लो, सॉल्विंग इक्वेशन 1 और 2, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर क्या करेंगे, इसको a प्लस 2d लिखेंगे इज इक्वल टू 12, इसको a प्लस 49d लिखेंगे इज इक्वल टू 106, दोनों को घटा दो, घटाने अभी पहले इसके पहले वाला लगाया होगा आपने, माइनस 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 कर जाएगा, 49 गया माइनस का 40, 70 इज इक्वल टू कितना आएगा 106 में 12 माइनस करो, 6 में 2 गया 4, यहां पे 94, 106 बड़ी संख्या है माइनस का, तो डी आ जाएगा 94/47 = 2, ये डी का मान आ गया। आप डी की वैल्यू उठाइए और किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। क्या इक्वेशन 1 है, ए प्लस 2d इज इक्वल टू 12, ए प्लस 2d की वैल्यू कितनी है 2 इज इक्वल टू 12, ए कितना होगा 12 माइनस 4 दैट इज 8, ए निकला है। अब ए मालूम है और डी मालूम है, और आपसे कह क्या रहे हैं कि आप इसका 29th टर्म निकालिए, निकाल लीजिए D29 क्या होगा, ए प्लस 28d, ए कितना है 8 प्लस 28, डी कितना है 2, 8 प्लस 2 और 16 56, 8 से 14 66, इस प्रकार से वैल्यू निकली। ठीक, नोट कर लीजिएगा। 9th क्वेश्चन देखिए, देखिए 9th क्या बोल रहा है इसमें, कह रहे यदि किसी एपी के तीसरे और चौथे टर्म दिए, वही क्वेश्चन हुआ, हमने फर्स्ट टर्म माना, लेट फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस से लिखे जा रहे हैं वो डी है, फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहे हैं, ये फर्स्ट कह रहे हैं कि इसका तीसरा टर्म 4 है, T3 इज इक्वल टू 4, यानी ए प्लस 2d इज इक्वल टू 4, ये क्वेश्चन 1 आ जाएगा। और सेकंड कंडीशन क्या कह रहे हैं, नवा पद माइनस 8 है, सेकंड कंडीशन कह रहे हैं कि T9 जो है माइनस का 8 है, यानी a प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस का 8, दोनों को सॉल्व करिए, सॉल्विंग
क्वेश्चन वन एंड टू. वन क्या है, ए प्लस टू डी इज इक्वल टू फोर, ए प्लस एट डी इज इक्वल टू, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आप लगा चुके हैं. दोनों को क्या करोगे, दोनों को घटाओगे, सब्ट्रैक्टिंग, घटाने पर, घटाने पर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस का सिक्स डी आएगा, ये प्लस का बारह आएगा, डी का मान कितना हो गया माइनस का टू. अब डी को उठाओ और एक क्वेश्चन नंबर वन में पुट कर दो. वैसे सही बताए पुटिंग वैल्यू जो होती है वो गलत है, लेकिन अब लिखा ही जाता मैथ में तो लिख रहे हैं हम. पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी, पुटिंग डी इन इक्वेशन वन. वन क्या है, ए प्लस टू डी इज इक्वल टू फोर, ए प्लस टू डी का मान कितना आया है माइनस का टू इज इक्वल टू फोर, ए माइनस फोर इज इक्वल टू फोर, ए का मान कितना आ गया एक. अब ए भी निकल आया और डी भी निकल आया. अब पूछ क्या रहा है आपसे, पूछ रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, मुझे नहीं मालूम. तो हमने माना, यहां पर एज्यूम कर लेंगे कि टीएन जीरो होगा, तो एन क्या होगा, तो टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन टू डी इज इक्वल टू जीरो. ए की वैल्यू कितनी है एट प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी है माइनस का टू इज इक्वल टू जीरो. इसे सॉल्व करिए, एन की वैल्यू निकाल लीजिए, ब्रैकेट खोल दीजिए, एट माइनस टू अंदर जाएगा, माइनस का टू एन प्लस का टू इज इक्वल टू जीरो, एट और टू टेन, माइनस का टू निकल ले जाओ टू एन, तो एन क्या होगा फाइव, तो पांचवा जो टर्म इसका होगा वो जीरो होगा. ठीक है, अगला क्वेश्चन है दसवां क्वेश्चन. हम सब बता रहे हैं लेकिन आप अपने आप लगाएंगे. टेंथ क्वेश्चन देखिए, वही चीज, फर्स्ट टर्म ए माना, कॉमन डिफरेंस डी माना, वो अपने आप मान लेंगे. इसमें बता रहे हैं कि एपी का सेवनटींथ पद उसके दसवें पद से सात अधिक है. तो देखिए जो सेवनटींथ टर्म है टी सेवनटीन, वो उसके दसवें पद से टेंथ टर्म से सेवन अधिक है, यानी सेवनटींथ टर्म इज सेवन मोर देन टेंथ टर्म, इट इज गिवन. हमने फर्स्ट टर्म क्या मान रखा है ए, और कॉमन डिफरेंस क्या मान रखा है डी. टी सेवनटीन की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस सिक्सटीन डी, सेवनटीन माइनस वन होता है. टी टेन क्या होगा, ए प्लस नाइन डी प्लस सेवन. अब चूंकि डी निकालना है, इसको सबको इधर शिफ्ट करके लाओ. देखिए ए प्लस सिक्सटीन डी, ये ए इधर आएगा माइनस का, ये माइनस का 9d, उधर बचेगा 7, ए और ए कैंसिल हो जाएगा, 16 माइनस 9 7d इज इक्वल टू 7, डी का मान 1 आएगा. तो ये 10 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, बहुत सारे क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है. इसके बाद नेक्स्ट मैं 20 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा. ओके, थैंक यू.